हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनर। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के शॉर्ट नोट्स की। इससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास के पूरे ग्रेविटेशन नोट्स लिख लिए थे, बता दिए थे मैंने यहाँ पर। और उसके बाद अभी हम ग्रेविटेशन के देखेंगे वही सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। फिर से बता रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वही सब हम देखें। ठीक है, शुरू करते हैं ग्रेविटेशन की। M1 और M2 के अंदर अगर पॉइंट मासेस दे रखे होंगे उनके अंदर अगर आपको देखना होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स रखता है F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय R2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूनिट और डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। फोर्स सेम रहेगा तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं पर भी, आप कहीं पर भी लेके जाओ, अगर ये पॉइंट मास को आप स्पेस में लेके जाओ, दूसरे प्लैनेट में लेके जाओ, इन दोनों के बीच में फोर्स सेम रहेगा। इनके अलावा अगर इनके तरफ से बाहर से कोई फोर्स लग रहा होगा तो वो अलग हम कह सकते हैं, पर इन दोनों के बीच में जो है फोर्स सेम ही रहेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं जीपी की। अगर मैं बात करूंगा तो जीपी में आपको कभी कभी बोल देता है ना, वहां पे जीपी प्रोपोगेशन दे रहता है, M1, G1, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो पहला टर्म लिख देना और फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस कर देना, आपका जीपी का टर्म आ जाएगा, और उसको F G1 M1 M2 by R² से इंटू कर देना जो जीपी आपकी आएगी। तो इससे आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं तो आपको आसानी से आ जाएगा। फर्स्ट टर्म करना है, फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस कर देना, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इस बात करते हैं ये ट्रायंगल के, याद रखना कभी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल 60 डिग्री पे दे रखा होगा तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस बोल रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आपको दे रखा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका आर इज इक्वल टू L/√3 आंसर आ जाता है। तो आर आपका क्या आ जाता है, L/√3 होता है। तो ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि आप इसको एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में आपका आर की वैल्यू पूछ लेता है तो आपको इसमें आर का पता होना चाहिए किस तरीके से आपका L/√3 आंसर आएगा। आर इज इक्वल टू L/√3 आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो कभी भी एग्जाम में पूछ लेगा आर की वैल्यू L/√3 डाल सकते हो। जी किसी का, अच्छा जी की वैल्यू आपको सबको पता होगी, जी किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू D(√(n+1) इसके एन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मासेस ऑफ द मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई किया। अगर आपको यहाँ पे एम मास दे रखा है और 100 टाइम्स ऑफ n मास दे रखा है तो इनके बीच में जब डिस्टेंस पूछ लेता है तो n की जगह पे आपको क्या डालना होता है, 100 n। ठीक है, मतलब कितना टाइम्स आपका जो है मल्टीप्लीकेशन आपका किया है, और डिस्टेंस अगर आपको दे रखा है तो आपको एक्स डिस्टेंस यहाँ पे पता चल जाता है, इनका एक्स डिस्टेंस के ऊपर कितना इक्वल है ये पता चल जाता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकाल लेना तो आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, अभी बात करूंगा मैं इसमें। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको G m/R² होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे एम एम नहीं रहता है। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर स्पेरिकल शेल के अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डाउनवर्ड में इनसाइड के अंदर आपको 0 होगा और आउटसाइड में आपका इस तरीके से ग्राफ होगा, और सॉलिड स्फीयर में आपका इनसाइड में भी इस तरीके की स्ट्रेट लाइन जा रही होगी और इस तरीके का आपका सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ रहेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। अगर मैं बात करूंगा वी इज इक्वल टू -Gm/R, V इज इक्वल टू -Gm/R आपको याद रखना है, स्पेरिकल शेल को याद रखना है। स्पेरिकल शेल में इस तरीके से आपकी बनती है। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेविटेशन में, वैसे मैग्नेटिज्म में भी आपको सेम फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, बस थोड़े से डिफरेंट Q1 Q2 आ जाएगा, M की जगह पे वहाँ पे G की जगह पे K आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी थोड़ा सा सिमिलैरिटी इस चैप्टर से होती है, तो इस चैप्टर को यहीं पे आप अच्छे से कर लिया कीजिए ताकि आपको आगे ईजी चले जाए, 11th का पार्ट, 12th का जो पार्ट है वो ईजी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्पेरिकल शेल आ गया -Gm/R, इस तरीके से आपका जो है ग्राफ देखने को मिल गया। उसके बाद सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके से इनसाइड में, इसके ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बना दी है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद रखना, G = Gm/R², GH की जगह पे आप कर सकते हो G0/R² / R+H² ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। जी नॉट अगर आपका एम मासेस इक्वल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही आएगा, जी नॉट अगर डेंसिटी सेम है तो आपका आर ही आ जाएगा, डेंसिटी के लिए आ जाएगा 4/3 G/rρ/g, इस तरीके से आपका आ जाएगा, जी होगा आपका ये वाला स्मॉल जी आपका एक्सेलरेशन आपका ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फॉर एच जो एच बहुत ही ज्यादा लो है आर से तो ये चीज आपको रखनी है, अगर आपका एच बहुत ही ज्यादा छोटा है आर से तो आपको जी एच आ जाएगा G0 1 - 2H/2
आर इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब फॉर डेप्थ के लिए अगर आपको पूछा जाए तो जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब इस तरीके से करना है, और जी नॉट के फॉर्म में कर देगा तो वन माइनस डी बाय आर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी स्मॉल चेंजेस या बिगर चेंजेस में ऐसा कुछ फॉर्मूला चेंज होता नहीं है, यहाँ पे ही बस स्मॉल चेंजेस में फॉर्मूला चेंज होता है। यहाँ पे पहले तो ये लिखना होता है, फिर ये। ठीक है, तो ये देख लेना आप, फॉर्मूले को याद रखना है, मेरे को याद है, मैं आसानी से आपको लिख कर, आपको क्या करना है, एक बार रीड करना है इनको आसानी से, दूसरे पेज पर लिख कर देखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जीज की, बात कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है एनर्जीज। इनके अंदर यू की अगर मैं बात करूँ माइनस जी एम एम बाय आर, ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गई। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूँ जी एम एम बाय टू आर इस तरीके से रहेगी। टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यू प्लस के माइनस जी एम एम बाय टू आर रहेगा, माइनस में रहेगा, टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रहेगा। इंटरनल एनर्जी अगर कुछ एच के ऊपर पूछ रखी होगी तो आपको वन प्लस एच बाय आर इस तरीके से आपको इंटरनल एनर्जी अगर आपको कभी इस तरीके से पूछा होगा इसके ऊपर आपको, तो टोटल आर करना होता है आपको, आर इज इक्वल टू, तो इसमें आप कैसे करोगे वन प्लस एच बाय आर इस तरीके से आपका आर एड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी एनर्जीज। अभी वेलोसिटीज ऑफ एस्केप देख लेते हैं, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस एस्केप होती है। वी इन इन्फिनिटी से क्या आ जाएगा आपका, बड़े वाली वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस छोटी वाली वेलोसिटी का स्क्वायर अंडर रूट में, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगी। सेंटर ऑफ मास में अगर आपको करना होगा तो आपको बस यू का प्लस आपका एनर्जी का फॉर्मूला डालना है, काइनेटिक एनर्जी फिर से यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को आप कंजर्व कर सकते हैं। यू के जगह पे आपको माइनस जी एम बाई एम बाई आर डालना है, और काइनेटिक एनर्जी में आपको हाफ एम वी स्क्वायर डालना है। तो इसी के साथ आपका ग्रेविटेशन का पूरा अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो सी यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।